बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी शाखा के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शुक्रवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रबंधक मुकुल पांडे एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय शंकर मिश्र ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के खेलों का आयोजन कर कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का मनोरंजन किया तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में मिस फेयरवेल का अवार्ड सानवी तथा मिस्टर फेयरवेल का अवार्ड प्रत्युष दुबे को प्रदान किया गया। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भविष्य में निरंतर आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन करें। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 11 की छात्राएं श्रेया एवं अनीशा यादव ने किया। कार्यक्रम में सोनिया मिश्रा, मोहनलाल यादव, नीलम गुप्ता, अनीता पांडे, श्वेता पांडे, हरेन्द्र पांडे इत्यादि अध्यापक अध्यापिकाएं तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। क्या है आज किस तरह का ये फेयरवेल पार्टी चल रहा है? ये कक्षा 12 के बच्चों के विदाई समारोह है। कॉमर्स और साइंस के सारे बच्चे हैं और ये सैकड़ों से भी ज़्यादा हैं। और हमारी उम्मीद है कि जैसे विगत वर्षों में लड़कियों ने ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके और सफलतापूर्वक रिजल्ट दिया था, ठीक उल्टा इस बार हम लड़कों को इतना इनकरेज कर चुके हैं कि अब बच्चे लड़के इनके संख्याओं को तोड़ते हुए आगे आएंगे और समाज में अपना एक स्थायित्व बनाएंगे। और हमारी शुभकामना इनके साथ है कि ये सामाजिक रूप से एक ऐसे निडर, साहसी और अनुशासन से ओतप्रोत व्यक्तित्व अपने को ले आएं ताकि समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो और देश को एक अच्छा अधिकारी मिल सके, सेना का नायक मिल सके और सामाजिक रूप से संस्थाओं को पढ़ाने वाला अध्यापक भी मिल सके। इन्हीं शब्दों के संग पुनः बच्चों को धन्यवाद और आशीर्वाद कि बच्चे जाएं। कार्यक्रम से कितना लाभ छात्र छात्राओं को मिलता है, क्या देखिए ऐसा होता है कि इतने दिन जो बच्चा कक्षा 1 से आया है वो 12 साल अपने जीवन का यहाँ पर दे दिया और 12 साल में उसकी ये कामना होती है कि हमको हंसते हंसाते विदा किया जाए ताकि हम इन यादों को समेट के ले जाएं। और जो बच्चे फोटो बनाते हैं, मोबाइल से खींचते हैं या हमारे यहाँ ग्रुपिंग फोटोग्राफ होती है, वो बच्चों को बाद में बुला के हम देते हैं ताकि जब भी वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने आप को असफल माने तो उस फोटोग्राफ को देखने के बाद उनके भीतर ये प्रेरणा आ जाए कि इन शिक्षक शिक्षिकाओं ने हमको पढ़ाया है, इसलिए हमें ये कार्य करना है। धन्यवाद।